जान रही, पाकिस्तान में क्रिकेट पे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, तो आपके ख्याल में स्क्वाश का पाकिस्तान में मुस्तकबिल क्या है? देखिए, ये गवर्नमेंट को सही मामले में देखा जाए तो इस चीज़ को तवज्जो देनी चाहिए कि हर गेम को इक्वली फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। सिर्फ एक गेम आपके लिए मुल्क का नाम रोशन नहीं करती है। जिस तरह के पास में आपने देखा होगा, हमारे पास 4 वर्ल्ड चैम्पियन हुआ करते थे 4 गेमों के अंदर, तो इसी तरह और भी गेमों में हमारे पास इस तरह के टैलेंट है। तो इनका काम है कि हर गेम को उसी तरह लेकर आए, उसी तरह प्रोजेक्शन दें, उसी तरह फैसिलिटीज दें जिस तरह दूसरे मुल्कों में होता है। अच्छा, ये आतिफ भाई की जो अभी डॉक्यूमेंट्री आपने की, इसके बारे में कुछ बोलें कि कैसी इन्होंने बनाई है और क्या? नहीं, माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी मतलब हीरोज़ को ट्रिब्यूट पेश किया है, और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की चीज़ें रिवाइव होनी चाहिए हर हवाले से। जो भी हीरो जिन्होंने मुल्क के लिए नाम रोशन किया, और इससे सबसे बड़ी बात है कि हमारे यूथ को बड़ा इससे फ़ायदा होगा, और यूथ को इससे सीखने को भी बहुत मिलेगा और मोटिवेट भी होंगे। थैंक यू। आदि भाई, आज का जो ये इवेंट था, आपको उसका अरेंज करने का ख्याल कैसा है? देखिए, जब हम इसकी डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, तो जब ये डॉक्यूमेंट्री ऑन एयर गई या उस पर हमने अपलोड की, तो बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं था कि रोशन खान साहब कौन है। तो हमने कहा, इतना बड़ा हीरो, इसने इतना बड़ा काम किया पाकिस्तान के लिए, और ये जो आज जो कुछ देख रहे हैं स्क्वाश के पाकिस्तान के अंदर, इवन जो कि जहांगीर खान साहब को वो है, जहांगीर खान साहब का जो उनकी जीत है, उनकी सक्सेस है, जो कारनामे उनके, उनके वालिद की वजह से थे। तो ये हुआ कि फिर जब इनकी हमने देखा कि डेट ऑफ बर्थ क्या है इनकी, तो हमने क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम रखा जाए तो जाके लोगों को बताया जाए कि कभी मेरे ख्याल में किसी ने इनकी बर्थडे सेलिब्रिटी की होगी रोशन खान साहब की। तो हमने कहा हम ये करते हैं, ये करने के बाद ताकि लोगों को पता लगे, अवेयरनेस मिले कि रोशन खान भी कोई बहुत बड़ी चीज़ थी, लेजेंड थे हमारे, उनको याद रखा जाए। तो ये मकसद है डॉक्यूमेंट्री बनाने। इस डॉक्यूमेंट्री की तकमील में आपको कितना टाइम लगा? तकरीबन 8 से 9 महीने लगे, इसकी रिसर्च गैदर करना, उसको फिर बिल्कुल उसको बनाना, फिर उस तमाम वाक़ात को स्टोरी टेलिंग देना कि कहानी किस तरह सुनाई जाए। अच्छा, इसका स्क्रिप्ट किसका था? इसका स्क्रिप्ट मेरा था, और मेरे साथ मेरे असिस्टेंट थे बिलाल हुसैन, हम दोनों ने मिलकर लिखा। हम असल में रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म से एक अदारा है, एक बड़ी कंपनी, उसकी ये सिस्टर कंपनी है। वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाएँ, डॉक्यूमेंट्रीज के जॉनर है उसको लिया जाए और वह उसको खूब से खूब तर करके उसको बनाया जाए। तो जैसे रोशन खान साहब ये थी, जब मैंने ज्वाइन किया इनको 1.5 साल पहले, तो मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री थी वो रोशन खान साहब की थी। उसके बाद दूसरी हमारी डॉक्यूमेंट्री जो थी वो कल्टिवेशन, मशरूम कल्टिवेशन पाकिस्तान में कहाँ कहाँ हो रहा है, और अभी तीसरी आ रही है डीकोड, ज़हनी अमराज, ज़हनी आ गई, ज़हनी अमराज की वो ज़रूरी है। चौथी हमारी आ रही है फ़्लाइट 544 जो हाईजेक हुई थी, उसकी शूटिंग भी हमने कर ली है अभी। तो बहुत संजीदगी से, तो मुझे मज़ा आ रहा है, मैंने फिल्में भी बनाई, ड्रामे भी बनाए, सब लिखे, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में जो मज़ा है एक कि रियल स्टोरी को आप स्टोरी टेलिंग देना, उसको बताना। फीचर फिल्म मुश्किल है या डॉक्यूमेंट्री मुश्किल? डॉक्यूमेंट्री बहुत मुश्किल है। शुरू में तो मैंने हाथ उठा लिए थे, मैंने कहा जा रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे दादा ने कहा नहीं, आप ही बनाएंगे, आप जो फिल्म मेकर है वो कर सकता है ये काम। तो फिर ये पता लगा कि ड्रामा और फिल्म से ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक हम डॉक्यूमेंट्री, जिम्मेदारी वाली चीज़ है कि आप रिसर्च करें और सच दें जो हुए, फैक्ट के साथ, फिक्शन नहीं है कि हम कुछ भी घुमा दें, कुछ भी कर दें। ये तो रियल, वैसे भी रियल स्टोरी इंसानों की बड़ी दिलचस्प होती है। तो अभी मेरी जो आएगी ना, आप देखेंगे फ़्लाइट 544 जो हाईजेक हुआ था, तो आईजी पंजाब में वो भी इस वक्त थे वहाँ पर हैदराबाद में। इस वाक़े को आप बताइए। फ्लाइट 554 ये हुआ, हाँ एक हुआ था ये ग्वादर से उड़ा था। अच्छा, उस वक्त ये हुआ था कि पोखरान में धमाके हो गए थे, इंडिया ने धमाके किए थे, एटॉमिक धमाके। तो पाकिस्तान पर पूरी दुनिया का दबाव था कि ये ना करें, तो इंडिया ने चाल चली और उन्होंने क्या कहते हैं, कुछ बलूचिस्तान से हमारी ग्वादर से एक फ़्लाइट उड़ी और उसको हाईजेक कर लिया गया, और हाईजेकरों ने कहा कि इसको ले चलो इंडिया, दिल्ली, न्यू दिल्ली। हाईजेकर्स ने कहा कि हमारे पास अभी फ्यूल नहीं है ना, तो हम नहीं जा सकते। तो उनके पूरी प्लानिंग थी, उन्होंने कहा फिर राजस्थान का जोर जो एयरपोर्ट है उसको ले चले, वहाँ ले चले, जोर नहीं, भूज एयरपोर्ट राजस्थान का, हाँ भूज एयरपोर्ट पर वहाँ ले चले। तो भूज एयरपोर्ट पर अच्छा पायलट ने उस फ्रीक्वेंसी में बात की अपने कंट्रोलर से कि जो ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट होती है कि जो हाईजेक हो जाए तो उस फ्रीक्वेंसी से बात करें, वो समझ जाते हैं कि जहाज हाईजेक हो गया। उन्होंने रब्ता करा दिया हैदराबाद सिंध से, वहाँ के हैदराबाद में जो थे वो भी समझ गए थे, तो उन्होंने कहा हाँ ये वो है, ये कहते हैं भूज एयरपोर्ट है और आप उतर जाएँ। जहाज़ को उतार लिया गया हैदराबाद में, दहशतगर्दों को बताया कि जनाब ये इंडिया है, भूज एयरपोर्ट है और ये है। और वहाँ पर जो उस ज़माने में SSP थे, ये उस्मानवर साहब, गुरचानी साहब, अख्तर, उन्होंने क्या किया, अपने नाम चेंज किए, मनोज कुमार ही करके उनसे गए मिलने लगे, आप मित्र हैं हमारे, आप तो दोस्त हैं, और अच्छा किया आप इंडिया जा लिया और आ जाएं। उनको कन्विंस कर लिया कि, और वो कन्विंस हो गए, खाना ना खिलाया,
पूरे हैदराबाद में ईशा की अजान नहीं हुई लाउड स्पीकर पर, मना कर दिया गया था कि लाउड अजान नहीं हो कि पता ना लग जाए, है जो बड़ा फिल्मी, इस पर फिल्म बन सकती है पूरी, लेकिन हमारे कौन है जो अभी फिल्म था, आपको पता है फिल्म का क्या हाल है। तो बहरहाल फिर तो फिर हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, फिर वो उनको पकड़ लिया उन सबको, और जब उन्होंने देखा गाँव को ना पाकिस्तान में ही हुआ, तो ये बड़ा वाक़ था मज़ेदार। तो इस पर जब बनाई तो हमें एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे जो वाइट बॉडी हैंगर है यहाँ पुराना जहाज खड़ा हुआ है इसका फोकर, और वो बहुत गंदी हालत में दिख रहा, हमने कलर अलग कराया उसको, ये कराया, इजाज़त में मुश्किल से ली, उसके बाद हमने दो दिन शूट किया यहाँ पर। तो जब आप ये देखेंगे तो वो जो हमारे जो इंटरव्यूअर हैं वो बता रहे होंगे कहानी विजुअल पीछे और ये चल रहे होंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। कब तक आएगी ये, इस पे काम हो रहा है अभी, तो इसके बाद 2-3 महीने तो लगेंगे आने में। तो वो आएगी तो मेरा प्लान है, बहुत बड़ा एक प्लान है, मैं करूँगा, शेयर करूँगा आप लोगों से, उसकी तशरीह करना। जहांगीर साहब ने, जहांगीर खान साहब ने जो है इस डॉक्यूमेंट्री में आपसे कैसा, कितना, किस हद तक ताउन किया आपके ख्याल में? नहीं, जहांगीर खान साहब ने देखिए अभी आए, ये बड़ा उनका वो है, असल में वो थे पाकिस्तान से बाहर थे उस वक्त जब हमने बना रहे थे, तो मुसलसल ट्रैवलिंग में थे, तो इतना, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर दी थी हमें, बता दिया था, कुछ चीज़ें हमें बाहर से मिली इंटरनेशनल काउंसिल से जो है, उन्होंने गोरों ने दी हमें चीज़ें, हमारे पोस्टर में नाम भी गोरे का, उसने बड़ी मदद की हमारी, और वो बड़ा हैरान था कि पाकिस्तान में इस तरह काम हो रहा है कि आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं अपने हीरोज से, यहाँ तो हमने कभी नहीं सुना, तो हमने कहा नहीं अब शुरू कर दिए हम लोगों ने। तो ये अच्छा, आपने अभी तक दो फीचर फिल्म बनाई, दोनों जो है हॉरर एक हॉरर कॉमेडी, यस जॉनर हो गया जी जी, तो कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री आपके जहन में है बनाने की जो हॉरर टच लेते ही हो? अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा वाक्य हुआ हो ओरिजिनल, जैसे क्वेटा में हुआ था कि मम्स के नाम से एक हुआ था कि वो बच्चों को उठा के ले आता था कोई, तो उस पर मैं सोच रहा हूँ कि उस पर रिसर्च करके ज़रा, हॉलीवुड ने वो उस पर मूवी बनाई। अच्छा, तो मैं तो क्योंकि ओरिजिनल है तो उस ज़माने के लोगों से मिलके अभी भी जिंदा होंगे कुछ, तो उनको मैं सोच रहा हूँ कि उस पर बनाई जाएगी। तो आप ही, आपके लिए तो एक बहुत अच्छा टॉपिक, आप आबिद बश्कीर पे क्यों नहीं बनाते हॉरर? तो बड़े कारे इंसान है, बड़े स्वीट से हुआ था कि वो बच्चों को उठा के ले आता था कोई, तो उस पर मैं सोच रहा हूँ कि उस पर रिसर्च करके ज़रा, हॉलीवुड ने वो उस पर मूवी बनाई। अच्छा, तो मैं तो क्योंकि ओरिजिनल है तो उस ज़माने के लोगों से मिलके अभी भी जिंदा होंगे कुछ, तो उनको मैं सोच रहा हूँ कि उस पर बनाई जाएगी। तो आप ही, आपके लिए तो एक बहुत अच्छा टॉपिक, आप आबिद बश्कीर पे क्यों नहीं बनाते हॉरर? तो बड़े कारे इंसान है, बड़े स्वीट से इंसान है। चले भाई, चले अब एक मिनट यहाँ पे उसको उसके लिए। दिन में मेहनत करता था, शाम में खेलता था, तो मैंने कभी इस चीज़
गिव अप नहीं किया और जो मेरे ड्रीम था ये पिछले कल मैंने कर रहा था आज अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया और उसके बदले में तुम जैसी औलाद मुझे दी है कि जो आज उससे ऊपर लेके गया। तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती थी कि मैं कैसे फैमिली में जन्म लिया और जिसमें माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम 1950 से लेके 96-97 तक टॉप पे रहा, इस पर 40-45 साल टॉप पर रहे और मैं समझता कि जो भी हमारी जनरेशन आई उसके बाद वो इन्हीं बड़ों से सीखी चली आई और आज उस मुकाम पर पहुँचे। तो मैं खासतौर पर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हीरोज को मैं कहता हूँ ये रिमाइंड करते रहना चाहिए। आजकल की यूथ को ये बहुत बड़ा मैसेज होता है और ये बहुत बड़ी मोटिवेशन चलती है कि वो इनसे सीखे और मैं भी इस चीज़ पर कहता हूँ अपने बच्चों को भी कहता हूँ आप ये नहीं सीखे हमारे से बड़ों हमारे जो बड़े होते हैं उनसे सीखे क्योंकि उन्होंने कैसे किया। तो ये चीज़ें हर इंसान कर सकता है बशर्त है कि जो एक कमिटमेंट जो एक आपके अंदर एक सलाहियत होती है उसको बेहतर अंदाज में डिसिप्लिन अंदाज में और एक विजन लेके चले तो हर चीज़ मुमकिन हो सकती है। तो ये आजकल जिस तरह आप लोगों ने हीरोज को दोबारा इस तरह के इंटरव्यू किया रिवाइव किया मैं समझता हूँ कि हर फील्ड के अंदर इस तरह की चीज़ होनी चाहिए और हमारे पास माशाल्लाह बेताशा हीरोज लेजेंड्स गुजरे हैं हर फील्ड के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि हर एक के ऊपर इस तरह की रिवाइव स्टोरीज डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए और ये आजकल की यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल वंस अगेन फॉर गिविंग अ सच अ ग्रेट ट्रिब्यूट टू माय फादर जिसको मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। वहाँ से बना थोड़ा जोर से देखता हूँ तो नाज़रीन आपने सैयद आतिफ अली की ज़बानियों की पूरी कहानी सुनी कि उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को किस तरह से बनाया और कितना टाइम लगा और उनकी जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री है वो किस टॉपिक पर है और मैंने उसने आपको बताया कि उनसे पूछा कि हॉरर मूवी बनाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्री उन्होंने कहा कि हॉरर मूवी बिल्कुल हॉरर डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल बनाएंगे लेकिन उसके लिए टॉपिक चाहिए और मौजूदा डॉक्यूमेंट्री जिसकी आज ये तकरीर रोनुमा हुई ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है एक बहुत बड़ा तौर ख़ास है। जितनी भी हमारी गेमिंग कम्युनिटी है उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्री यकीनी तौर पर लाइब्रेरी का हिस्सा बन सकती है और बनेगी और ये डॉक्यूमेंट्री रोशन खान साहब पे बनाई गई सैयद आतिफ अली साहब की ये डॉक्यूमेंट्री हमारे लिए हमारे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ और मैं ये ज़रूर कहूँगा यहाँ पर कि रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो यूट्यूब चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब करिए वहाँ पर एक से एक डॉक्यूमेंट्री आपको देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। आपने मैसेज सुन लिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको वहाँ से बहुत कुछ देखने को मिलेगा। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।